नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। आपकी एज है इस समय 41 वर्ष। आपने पूछा कि प्रॉपर्टी को लेकर इशू चल रहा है, केस चल रहा है, समस्या आ रही है, मनी प्रॉब्लम बहुत है। आपने ये भी कहा कि पारिवारिक जीवन के बारे में आपको जो कुछ दिखे वो भी हमें जानकारी दे दीजिए। तो हमें आपके हाथ में जो कुछ भी दिखेगा, जिस प्रकार की भी जानकारी दिखेगी, वो सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखा जाए तो ये दिखता है मुझे आपके हाथ में शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में मुझे कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। इसको अगर ध्यान से ही देखा जाए तो यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की कृपा से जीवन में आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके बारंबार मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करे, चाहे प्रॉपर्टी में करे, चाहे शेयर बाजार में करे, चाहे कहीं पर भी करे, ज्वेलरी में करे, ऐसे व्यक्ति को लाभ देखने को मिलता है। ये एक अच्छा संकेत होता है। निरंतर प्रयास करने पर सफलता की ओर ये साइन बनाने वाला होता है। आपने पूछा कि प्रॉपर्टी इशू है। अगर आपके हाथ में देखा जाए तो मंगल रेखा है, जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने वाली होती है। तो इस रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अंततः, मतलब एक समय के संघर्ष के बाद, आपको प्रॉपर्टी से लाभ भी कहीं ना कहीं जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, एक रेखा से मैं ये नहीं कह सकता कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। इसके लिए मुझे पूरा हाथ देखना रहेगा। तो आगे आगे जैसे विश्लेषण होता रहेगा, हाथ के बारे में, आपके जीवन के बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे निकल कर आती रहेंगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हाथ में आपका बृहस्पति का चित्र है। यहाँ पर आपके हाथ में मुझे दिख रहा है एक क्रॉस का साइन। जब क्रॉस का साइन यहाँ पर हो तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला जॉब सिक्योरिटी होती है। पैसे का फ्लो अगर आ रहा है तो आता रहता, रुकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ये रेखा है तो व्यक्ति की जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी रहती है। उसमें फैमिली सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को पूरा और बढ़िया देखने को मिलता है। मुझे इस तरीके के योग आपके हाथ में यहाँ पर बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके हाथ में शनि पर बात करेंगे तो शनि पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा, यहाँ पर मछली का साइन है। अब देखिए, मछली का साइन एक ऐसा साइन होता है, अगर ये साइन आपके हाथ में है तो अकेले साइन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपको ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। संतान सेवा करेगी, संतान से लाभ ऐसे व्यक्ति को जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ये साइन व्यक्ति के बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए अच्छा माना जाता है। इसको अगर ये है तो ये एक अच्छा संकेत व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बुढ़ापे में होता है। जवानी में संघर्ष होगा, नहीं होगा, ये भाग्य रेखा में पता चलेगा। लेकिन इस साइन को मैं देख कर सकता हूँ कि बुढ़ापे में आपको फाइनेंशियल तंगी, पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अगर यदि आपके हाथ में सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य के चित्र में वो मजबूती नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत रुतबा कमाना है समाज में, बहुत नेम फेम होना चाहिए, तो सूर्य ग्रह मजबूत होना जरूरी होता है। क्योंकि सूर्य ग्रह ही व्यक्ति की अंतरात्मा, मान सम्मान, समाज में यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत साइन नहीं है, बल्कि आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है वो हल्की सी कटी हुई है। यहाँ पर सूर्य रेखा का कटना भी एक नेगेटिव संकेत होता है। समाज में झूठे आरोप लगना और अपोजिट जेंडर द्वारा झूठे रूप लग जाना, मान हानि के योग पैदा होना, ये उल्टी ये चीज़ देखी जाती है। जहाँ व्यक्ति की प्रसिद्धि होनी चाहिए वहाँ पर ये कार्य होते हैं। इसलिए आपको सूर्य ग्रह के उपाय मैं जरूर से जरूर दूंगा। बाकी बुध पर्वत भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव रेखा मुझे नहीं दिख रही है। इस पर अगर देखें तो देखिए, ये आपके हाथ का भारी मंगल है और यहाँ पर आड़ी रेखाओं की बौछार हो गई है, मतलब एक नहीं बहुत सारी आड़ी रेखाएं। देखिए, आपने पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है। देखिए, मेरी हर वीडियो में देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, फेसबुक पर भी काफ़ी ठीक ठाक वीडियो है। तो जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर मैं आड़ी रेखा देखता हूँ, सबसे पहला कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। उनमें पहली चीज़ होती है कि ऐसे व्यक्ति को शत्रु से हानि होती है, हानि होने के योग बनते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे आपके जीवन में जो आपके सामने आपके मित्र लगे बट पीछे आपसे शत्रुता रखते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी चेष्टा रहती है। दूसरा, ये रेखा जब हो तो व्यक्ति के लड़ाई झगड़े होते हैं आस पड़ोस में, मित्र से, रिश्तेदार से, जीवन साथी से, माता पिता से लड़ाई झगड़े, घर में ग्रह क्लेश बहुत होते हैं। कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े जो कि केवल सुलझ जाने चाहिए थे लेकिन वो बड़े होकर कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तो दो नेगेटिविटी तो ये होती है। तीसरी नेगेटिविटी ये होती है कि ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहीं से देखा जाता है कि व्यक्ति कोर्ट केस जीतेगा नहीं जीतेगा। जैसा आपका ये अंदरूनी मंगल है, अब देखिए हमारा काम है कि आपके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, वो बिल्कुल सत्य बोलना। हम आपको झूठी वो दिलासा नहीं देने वाले। हमें आपके हाथ में भारी मंगल के चित्र पर ये दिख रहा है कि आपके हाथ में कोर्ट केस जीतने का एक भी संकेत नहीं है। ऐसे व्यक्ति अगर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ते हैं तो 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति कोर्ट केस हार जाए। और कुछ व्यक्ति जो खुशकिस्मत हैं वो समझौता कर लेते हैं, लेकिन जीतना तो भूल जाइए। अब देखिए, अब आप हमारा काम यही है कि जो दिख रहा है इसलिए देखकर बोलना। तो हम इस इतना ही कहेंगे कि हमें इतना दिख रहा है कि आपके हाथ में, आपकी किस्मत में कोर्ट केस जीतना नहीं है। आप बुरे फंसेंगे, पैसा खर्च करेंगे, समय व्यर्थ होगा, लास्ट में अगर या तो हारेंगे या फिर आप समझौता कर बैठेंगे, लेकिन जीतना आपकी किस्मत में मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये आपके हाथ में आपका चंद्र का चित्र है। चंद्र का चित्र बस ठीक ठाक ही है, यहाँ पर भी आड़ी रेखा है। अब देखिए, ये भी नेगेटिविटी देने वाला होता है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को 45 वर्ष की उम्र के बाद पाचन शक्ति में समस्या, परेशानी हो जाती है। पेट से जुड़ी बीमारी या फिर खाना ना पचना, ज़्यादा ऑयली फूड खाना, जिसकी वजह से समस्या आना, कुछ इस तरह के लक्षण व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप अपने जीवन में अपनी हेल्थ को थोड़ा हल्के में बदल लीजिएगा।
खासकर खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप भर का ऑयली फूड तला हुआ ज़्यादा ही खाते तो आपको समस्या रेखा देने वाली रहेगी, इसलिए इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा। मणिबंध पर एक रेखा है, ऐसे व्यक्ति को अगर यहाँ पर एक ही रेखा हो तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:10 से 5:15। इस समय के बीच यदि आप सुबह उठकर राम नाम का जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कष्ट जीवन में आ रहे या फिर जो और आएंगे उनसे कहीं ना कहीं राहत आपको देखने को मिल जाया करेगी। ये मुझे योग यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद अगर देखें तो ये केतु का क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र भी ठीक ठाक आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। अगर उंगलियों की बात करेंगे तो उंगलियों पर यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, किसी की बातों में आकर, फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर फैलेंजेस जो है आपके खुले हुए हैं। फैलेंजेस जब खुल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में खर्ची नहीं सकता होता। जितना व्यक्ति पैसा कमाता है उसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है। जितना सेव करने की सोच है, जितना पैसा बचाने की सोच रहे हैं उतना पैसा नहीं बच पाता है। इस तरह को लेकर भी नेगेटिव योग यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपके हाथ में आपकी बुद्ध की उंगली थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। जब छोटी पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं पैसे का वेस्ट होना, समय का वेस्ट होना, कोई कम समय पर ना कर पाना, इस तरह के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाते हैं। सूर्य की उंगली आपके हाथ में ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, चली गई है। ये व्यक्ति को रिस्की देने वाली तो होती है। व्यक्ति का रिस्की होता है, रिस्क लेना जानते हैं। 10 लाख कर तो बड़े आराम से व्यक्ति ले पाते हैं। इसके बाद अगर हृदय रेखा देखेंगे तो देखिए हृदय रेखा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल इतनी नेगेटिविटी किसी के हाथ में नहीं होती है। हृदय रेखा को देखेंगे तो हम पाएंगे, देखिए हस्तरेखा शास्त्र में सीधा सीधा बताया गया है, कोई भी रेखा है अगर वो ज़्यादा डार्क है, फैली हुई है, उसमें जाले बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर बन रहे हैं, डार्क भी है, फैली हुई भी है, तो वो रेखा नेगेटिव होती है। आपके हाथ में हृदय रेखा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में है। इसके मैं आपको उपाय जरूर से जरूर दे दूंगा, बट ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति का जीवन कष्टों से भर जाता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद अगर ये रेखा पतली होती, चमकदार होती, नुकीली होती, इसमें कुछ दिखता हमें तो हम कहते हैं कि बढ़िया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, हृदय रेखा में तो नहीं है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में कहाँ दिखनी शुरू हुई है, बुढ़ापे के अंदर। तो कहीं ना कहीं जीवन में विवेक, बुद्धि, ज्ञान, गुण, धर्म की प्राप्ति आपको बुढ़ापे के अंदर ही होने वाली रहेगी। अभी तो कुछ ये रेखा को कष्ट आगे भी देने वाली रहेगी। इसके उपाय जरूर से जरूर मैं आपको दूंगा। और देखिए आप इतना भी समझ सकते हैं कि हमारे जो उपाय रहते हैं उनमें खर्चा नाम मात्र भी नहीं होता, और उसमें कोई ऐसा कार्य भी नहीं होगा कि हम आपसे ये कहें कि आपको कोई काला जादू करना है, टोना टोटका करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारे उपाय खर्चे रहित होते हैं, कोई जादू टोना टोटका, पूजा, हवन, यज्ञ ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण से उपाय रहते हैं। बस कंडीशन ये रहती है कि जब हम उपाय देंगे तो उसमें जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारे उपाय धीरे धीरे असर करते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि हमने उपाय दिया एक महीने बाद ये असर मिल गया, नहीं। कुछ व्यक्तियों को दो से तीन साल भी लग जाते हैं, 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आपको उपाय वो जब तक करने, डेली करने, जब तक आप खुद अपना देख लें कि आपकी स्थिति सुधर रही है, हाथ में रेखाओं बदलाव आ रहे हैं, उसमें 5-10 साल कितना समय लग सकता है, लेकिन डेली कीजिएगा, लगातार कीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा, बिना कुछ सोचे समझे कीजिएगा। उसमें जन कल्याण और पशु कल्याण से हमारे उपाय ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसके बाद अगर जीवन रेखा देखेंगे तो देखिए जीवन रेखा भी गाढ़ी है, डार्क है, यहाँ पर ये समस्या देने वाली रहेगी। मैं आपके हाथ में सुकून, चैन, शांति एक आयु के बाद देख पा रहा हूँ जो लगभग 55 वर्ष दिखती है। उसके बाद जीवन रेखा बढ़िया है, मस्तिष्क रेखा दिखनी स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं जितना भी संघर्ष है वो आयु आते आते समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर भी है, पैसे को लेकर तो है ही है, क्योंकि भाग्य रेखा ही नहीं है आपके हाथ में, और परिवार को लेकर भी तो इतनी नहीं है, बट हाँ अगर आप इनसे परेशान रहेंगे तो परेशानी आपको थोड़ी बहुत वहाँ भी देखने को मिलेगी। और देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा भी बहुत हल्की है, मतलब भाग्य रेखा ना के बराबर है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो सकती है, मुझे इस तरह के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि जीवन में संघर्ष है लेकिन अंततः सुख, सफलता 55 वर्ष की आयु के बाद भी दिखता है, लेकिन उससे पहले अपार संघर्ष रहेगा। आपके हाथ में संघर्ष नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मैं डेली उसमें काफ़ी हाथ दिख लेता हूँ, लेकिन जैसा आपका हाथ है संघर्ष है, और अच्छा खासा इस हाथ में संघर्ष है। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि शायद कोर्ट के साथ ना ही जीते। और इसके बाद मुझे क्या क्या दिखता है, तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस लगभग पूरा ही कर दिया है। मुझे आपके हाथ में क्या कुछ दिखा, मुझे दिखा कि यहाँ पर आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके आपको जरूर मिलेंगे। एक समय पर अगर प्रॉपर्टी से लाभ भी मिलेगा, यहाँ पर समाज सेवा कर लोगों का भला कर लोगों के काम आकर आपको बहुत लाभ है। शनि परत पर बुढ़ापे के अंदर सुख, समृद्धि और अच्छा पैसा भी है। सूर्य पर बहुत बड़ा पैसा कमाने के कोई योग नहीं है। बुध भी ठीक है। चंद्र पर केस हारने के पूरे योग बने हुए हैं, सॉरी भारी मंगल पर। चंद्र पर पाचन शक्ति कमजोर होना बना हुआ है, ये योग है। इसलिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, ऑयली फूड का त्याग कर देना, और फिटनेस फ्रीक रहना, जिम जाना, योगा करना, खेलना कूदना, मेडिटेशन करना, ये करना ही रहेगा। इससे आप के जीवन में समस्या नहीं आएगी। केतु का क्षेत्र ठीक है, राहु का क्षेत्र ठीक है, हृदय रेखा बहुत भयानक अवस्था में, इतनी नेगेटिव हृदय रेखा नहीं होनी चाहिए। जीवन रेखा भी थोड़ी नेगेटिव है, बट अंततः ठीक हो गई आते आते, और भाग्य रेखा बुढ़ापा आते दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं रेखा सुधर रही है, लेकिन 55 वर्ष की आयु के बाद इससे पहले संघर्ष रहेगा और रहेगा।
और बुद्ध रेखा भी है, तो एक आयु के बाद जो 55 वर्ष रहेगी उसके बाद अगर व्यापार करते तो उसमें सफलता के योग भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको और कोई डाउट क्वेरी पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक मैं बताना भूल गया कि जीवन रेखा थोड़ी सी छोटी है आपके हाथ में, तो इसका भी एक उपाय होता है, एक मंत्र होता है, भोले बाबा का मंत्र होता है, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन रेखा छोटी तो अल्प आयु है, कितनी उम्र है कितनी नहीं है, आयु की गणना किसी करते नहीं है ना हमें करनी आती, लेकिन जीवन रेखा थोड़ी सी छोटी है तो एक स्वास्थ्य के लिए बुरा संकेत होता है, इसके लिए मैं आपको वो मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आपको डिलीजॉप करना रहेगा। अभी बस मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्प आयु है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जीवन रेखा छोटी है तो समस्या आती है स्वास्थ्य को लेकर। तो एक इसका मंत्र देना है मुझे आपको, सूर्य ग्रह के उपाय देने हैं, और ये जो रेखा है इनके बेसिक उपाय देने, क्योंकि सारी रेखा हाथ में डिस्टर्ब है। और कोई डाउट करिए पूछनी है तो पूछ लीजिएगा, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू बता दीजिएगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सहमत है नहीं है, आपका क्या रिव्यू है वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू और उपाय मैंने कौन कौन से देने बोला व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।